अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनकी ना ही टाइमिंग है और ना ही जिनकी नफ्स में सख्ती है, उनके लिए आज का हमारा ये नुस्खा है। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो ना सिर्फ आपके नफ्स की तमाम तर कमज़ोरियों को दूर करता है, बल्कि आपकी टाइमिंग को भी बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त करता है। कोई महंगा नुस्खा नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला नुस्खा है। इसके जो अज्जा हैं बहुत ही आम से अज्जा हैं, कोई महंगे नहीं हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाने वाले हैं। इसमें एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर वो चीज़ आपको मुश्किल से मिले तो आप उसकी जगह दूसरी चीज़ भी डाल सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा, तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। चलिए नुस्खा शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है जायफल। जायफल चाहिए होगी हमें 3 माशा, जवत्री हमें चाहिए 3 माशा, लौंग हमें चाहिए होगा 3 माशा, दारचीनी हमें चाहिए 3 माशा, अस्पंद हमें चाहिए होगी 3 माशा, अफीन हमें चाहिए होगी 3 माशा। अगर आपको अफीन ना मिले तो इसमें आप तुख्मे धतूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी तादाद जो है वो डबल कर देनी है। अगर आपको अफीन मिले तो आप 3 माशा इस्तेमाल करें, अगर आप अफीन नहीं मिलती तो आप इसमें 6 माशा तुख्मे धतूरा और 6 माशा ही तिल, स्या काले तिल ऐड कर लें। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक सफूफ बनाना है, अलग अलग। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक सफूफ बनाने के बाद आप इसे खरल में डालें और इसे अच्छी तरह से ज़ोरदार हाथों से खरल करें, ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा शहद डाल के आप इसे खरल करते रहें, थोड़ा थोड़ा शहद डाल के इसे खरल करते रहें, और इनकी जंगली बेरों के बराबर आपने गोलियां बना के रख लेनी है। एक गोली इसकी बवक्ते सुबह आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये कुछ ही दिनों में, सिर्फ 21 दिनों के इस्तेमाल से ये आपके रॉड में ऐसी ज़बरदस्त सख्ती पैदा करती है, आपकी टाइमिंग को इस कदर बढ़ा देती है कि आप खुद हैरान रह जाएँ। अगर आप इसका 21 दिन बापरहेज इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके इस्तेमाल के दौरान आपने ना ही 21 दिन तक हम बिस्तरी करनी है, ना ही आपने कोई गर्म चीज़, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ें और खट्टी ठंडी चीज़ों से आप मुकम्मल परहेज़ करें। इंशाल्लाह 21 दिन के बाद आप मसरूफ़ मुबाशरत हो, फिर देखिएगा कुदरत खुदाबंदी का करिश्मा देखें आप। इंशाल्लाह बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।